सिवनी में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मुजीब कुरैशी के निर्देश पर ज्ञापन सौंपा गया। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग सिवनी द्वारा इंदौर, उज्जैन, मंदसौर और राजगढ़ के धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। राज्यपाल के नाम कलेक्टर को दिए ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में एक वर्ग के लोगों द्वारा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, इससे सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। सरकार की घटनाएं घट रही हैं, मध्य प्रदेश शासन प्रशासन मौन है, जिससे असामाजिक उपद्रवी तत्वों के हौसले बुलंद हैं। उल्टा शासन प्रशासन द्वारा पीड़ित पक्ष मुस्लिम समुदाय के लोगों पर झूठे प्रकरण बनाकर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के माफिया बता बता कर अतिक्रमण के नाम पर मकानों, दुकानों एवं संपत्तियों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश सरकार राजनीतिक द्वेष भावना से अपनी नाकामियों को छुपाने एवं देश भर में चल रहे व्यापक किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए जातिगत दंगे करवाना चाहती है एवं हिंदू भाई मुस्लिम भाई के बीच लकीर खींचने की नाकाम कोशिश करने में लगी। इस देश में सैकड़ों वर्षों से अल्पसंख्यक मुसलमान एवं बहुसंख्यक हिंदू भाई आपसी सौहार्द के साथ रहते आए हैं और अंत तक आपसी सौहार्द के साथ रहेंगे। जात पात की ओछी राजनीति करने वाले मुट्ठी भर लोग अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ करने वालों, धार्मिक स्थलों में भगवा झंडा फहराने वालों, मुसलमानों के विरुद्ध आपत्तिजनक नारे लगाने वालों एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के ऊपर धारदार हथियारों से प्राणघातक हमला करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को राजनीतिक द्वेष के चलते जातिगत राजनीति न करने, भारत के संविधान के मुताबिक बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास करने एवं राज धर्म का पालन करने की नसीहत देने की कृपा करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुजीब कुरैशी जी के निर्देश अनुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग सिवनी द्वारा जो उज्जैन, मंदसौर, राजगढ़ एवं अन्य स्थानों पर जो धार्मिक स्थलों पर उपद्रवी तत्वों ने जिस तरीके से हमला किया था, उसके विरोध में माननीय महामहिम राज्यपाल के नाम पर आज जिला कलेक्टर महोदय को जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द ऐसे उपद्रवी तत्वों पर जो कि लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करते हैं और धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की हमने मांग की है। और हम इतना संदेश देना चाहते हैं कि भारत में सैकड़ों वर्षों से अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम भाई और बहुसंख्यक हिंदू भाई आपसी सौहार्द के साथ रहते हुए आए हैं। चंद मुट्ठी भर लोग हमारे मुस्लिम भाइयों और हिंदू भाइयों के बीच लकीर खींचने का काम कर रहे हैं, जो कि असफल होंगे। हम सभी जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के टीम आज ज्ञापन सौंपी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।